नमस्कार, वंदे भारत में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। एक और पति पत्नी एक दूसरे से अलग होने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एक परिवार में पति पत्नी बच्चे पर हक पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कुटुंब न्यायालय का जो उद्देश्य होता है, कोई भी परिवार अंतिम समय तक टूटने ना पाए, जिसके लिए न्यायालय पूरा प्रयास कर रहा था और अंततः उसे सफलता भी मिली। आज एक साथ तीन परिवारों के बीच समझौता कराया गया, जिसमें दो पति पत्नी के बीच चल रहे अलगाव के मामले में समझौता होने के बाद दोनों परिवार एक साथ राजी खुशी अपने घर की ओर चले गए। तो वहीं एक बच्चा जिसे पाने के लिए माँ बाप दोनों लड़ाई लड़ रहे थे, उनके बीच भी समझौता हुआ और बच्चे को माँ बाप दोनों ही मिल गए। इसके एक परिवार ऐसा भी मिला जिसमें अपने पति पत्नी एक साथ किसी भी तरह से रहने को तैयार नहीं थे। पत्नी का क्लेम भी लगभग तय हो गया था। मामले के अंतिम पड़ाव में न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद एक बार फिर पति पत्नी ने एक साथ रहने का फैसला किया है। ये आज फैमिली कोर्ट में इनका चल रहा था प्रकरण, 2019 से चल रहा था और बीच में कोरोना के टाइम पे भी था, तो यहाँ पर एक आवेदिका थी 125 का चल रहा था और हम आवेदक की ओर से थे और ये वहाँ सेक्शन 9 का वहाँ सिरमौर में चल रहा है था। तो दोनों के बीच में हम लोग ने काफ़ी प्रयास करके जो है धीरे धीरे करके अब 2022 में आज दिनांक को ये हमारा ये राजीनामा हुआ है इनका 13/8/2022 में। और बहुत दोनों का एक बेटा है और दोनों अपने राजीनामा से बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं और संतुष्ट हैं पूरी तरह से। और आज क्लियर हो गया। अभी क्या नाम है आपका? जी मैं सरोज कुशवाहा। समझौता हुआ है, धारा 10 का एक आवेदन था जो आवेदक अनिल विश्वकर्मा ने लगाया था और उसको उनने वापस ले विड्रॉ किया है कि हम अपनी पत्नी को अपने साथ ले जा रहे हैं। और अनावेदिका अन्नु विश्वकर्मा ने 125/3 का वसूली का आवेदन लगाया था, जिसमें वसूली की कार्रवाई चल रही थी। और एक और मामला था जिसमें गार्जियन एंड वार्ड के तहत दोनों उभय पक्षों से एक बच्ची थी जो उनको लेने के लिए आवेदन लगाया गया। बस ये दोनों तीनों प्रकरण में समझौते हो गए हैं। ये पति पत्नी के रूप में दोनों लोग एक साथ रहना चाह रहे हैं। हम लोगों ने सहयोग किया, माननीय न्यायालय ने सहयोग किया, इनके सहयोग से ये मामला समझौते की हम लोग आगे। क्या नाम है आपका? असलम शेखर बोल। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।